Welcome back to New Light Neat. I'm Naila Shehwar, and today I'll be covering the dihybrid cross for that chapter, Heredity and Evolution. It was left in the previous video. ठीक है, तो इसमें dihybrid cross करा देंगे, blood group करा देंगे आपका, और आपका sex determination आता है, वो हो जाएगा. ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. देखो, monohybrid cross में बताया था कि gametes कैसे बनते हैं, और जो homologous chromosome होता है वो separate out करता है, एक पैर में से एक क्रोमोसोम एक तरफ जाता है और पैर का दूसरा क्रोमोसोम दूसरी तरफ जाता है. डायहाइब्रिड का मतलब होता है कि हम दो कैरेक्टर्स को देखेंगे कि दो कैरेक्टर्स एक टाइम पे कैसे इनहेरिट हो रहे हैं. ठीक है, हम कोई भी दो कैरेक्टर ले लें. मान लो मैंने टॉल लिया कि कोई पर्टिकुलर प्लांट जो है वो टॉल है, और दूसरी तरफ इसका काउंटर क्या हो जाएगा, ड्वार्फ. ठीक है, ये एक कैरेक्टर है कि हम हाइट को कंसिडर करें. दूसरा कैरेक्टर हम ले लेते हैं सपोज कि उस पर्टिकुलर प्लांट की सीड का शेप कैसा है. ठीक है, तो सीड का शेप कैसा हो सकता है, या तो राउंड हो सकता है, या तो रिंकल्ड हो सकता है. तो यहाँ पर हमने दो अलग अलग कैरेक्टर्स ले लिए हैं और इनका क्रॉस कराना है हमें. ऊपर मेल पेरेंट लिख दो, यहाँ पर फीमेल पेरेंट लिख दो, यहाँ पर साइड में आप इसी लाइन में पी लिखेंगे, ये पेरेंटल जनरेशन है. जो भी तुम्हारे ये कैरेक्टर्स हैं, जो भी तुमने फिनोटाइप लिया है, इसके लिए हम लोग जीनोटाइप लिखते हैं. एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए तुम्हारे पास दो एलील्स होती है, तो टॉल के लिए क्या लिखोगे, अगर कहीं पर स्पेसिफाइड नहीं है कि होमो की हेट्रो, तो बाय डिफॉल्ट होमो मान लो. ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी दो. राउंड के लिए क्या होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर. तो आपका जो ये पेरेंट है इसके पास एलीलिक कॉम्बिनेशन क्या है, पास पास लिखते हैं. एक तुम्हारा है कैपिटल टी एंड कैपिटल आर ठीक है. इसके पास क्या हो जाएगा, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर अब अगर हम इसमें गैमीट बनाएं, ठीक है, देखो यहाँ पे सब सेम कॉम्बिनेशन है, इसका अगर तुम गैमीट बनाओ तो इस चीज को बहुत कायदे से समझना. इस एलिलिक पेयर का एक क्रोमोजोम एक गैमीट में जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में जाएगा. ये पोलन ग्रेन्स बन रहे होंगे सारे. ठीक है, तो कैपिटल टी तुम्हारा इधर आ गया और कैपिटल टी दूसरा वाला इधर आ गया. अब अगर ये वाला पेयर को हम देखें तो कैपिटल आर तुम्हारा एक तरफ आ जाएगा और दूसरा आर तुम्हारा इस तरफ आ जाएगा. ठीक है, उधर जाके देखो, इस पेयर का स्मॉल टी एक तरफ, दूसरा स्मॉल टी एक तरफ, इस पेयर से एक आर इस तरफ और दूसरा वाला आर इस तरफ डाल दो, क्योंकि दोनों सेम है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पर. अब ये पोलन ग्रेन वो ओवम फर्टिलाइजेशन करा दो. बार बार F1 को लिखने से अच्छा है, क्योंकि F1 में सब कुछ सेम मिलता है. मतलब तुम चाहे इसको इसको कराओ, या फिर इसको कराओ, या इसको उससे करा दो, मिलेगा तुम्हारा F1 सेम. तो एक ही बार करा के दिखा दो खाली. मतलब दिस व्हेन क्रॉस्ड विद दिस इज गोइंग टू गिव व्हाट, दोनों को कंबाइन कराओ. कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी यहाँ से, स्मॉल टी यहाँ से, कैपिटल आर यहाँ से और स्मॉल आर यहाँ से. देखो इसमें अब तुम कहोगे मैम ने कहा था कैपिटल लेटर साथ में रख दीजिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था. ठीक है कि कैपिटल लेटर साथ में रख दो, लेकिन इसमें हमने क्या किया, कैपिटल स्मॉल कर दिया. इसको फिर से नाम से समझो, मान लो किसी का नाम है ईशान अग्रवाल फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अब इसमें क्या है, ये एक पूरा सेट है, ये दूसरा सेट है. जब हम एक सेट की बात कर रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद इसके जितने वर्ड्स हैं सब स्मॉल लेटर साथ में कर दो. फिर दूसरे उस पे जाओ, तुम सरनेम पे जाओ, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा. ये एक कैरेक्टर है, इसके जो एलील्स हैं सब साथ में लिख दो, उसका जो कैपिटल लेटर हो वो पहले कर दो, स्मॉल लेटर बाद में कर दो. फिर तुम दूसरे कैरेक्टर पे जाओ, उसका कैपिटल लेटर पहले स्मॉल लेटर बाद में, वही तुम्हारे सरनेम लिखने का तरीका है. ऐसा नहीं कि हम ई को ए को उठाकर इधर कर देंगे और बाकी स्मॉल लेटर सब साथ में कर देंगे, वी कैन नॉट डू दैट. ठीक है, तो एक लिखने का तरीका होता है, वही सिंपल इंग्लिश फॉलो करनी है हमने यहाँ पर भी. ये रेस कर दें. तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिला, जितने भी एफ वन मिले हैं, देखो ये इस कैरेक्टर के लिए भी हेट्रोजाइगस है और ये इस कैरेक्टर के लिए भी हेट्रोजाइगस है, अलग अलग एलील्स हैं. तो ये क्या हो गया, हेटरोजाइगस. और इसका फिनोटाइप क्या होगा, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी विल गिव यू टॉल,
डोमिनेंट कैरेक्टर विल बी देयर. कैपिटल आर स्मॉल आर विल गिव यू राउंड बिकॉज कैपिटल आर इज देयर. तो जितना भी तुम्हें F1 मिलेगा वो सारा का सारा हेटरोजाइगस टॉल और राउंड मिलेगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम F1 को सेल्फिंग कराते हैं. F1 की सेल्फिंग के लिए सबसे पहले तो इसके गैमीट्स बनाएंगे हम लोग. अब अगर तुमने इसका गैमीट बनाना सीख लिया, बाकी कुछ भी नहीं बचता डायहाइब्रिड में. देखो कायदे से सुनना इसको, एक पैर तुम्हारा ये है, दूसरा पैर वो है. अगर हम इसको सेग्रीगेट करें तो मेरे पास एक गैमीट ये है, एक में हमने कैपिटल टी डाल दिया और दूसरे में हमने स्मॉल टी डाल दिया, ये एक जोड़ा था. ठीक है, एक में ये डाल दिया, एक में ये डाल दिया, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट अगला जोड़ा जो है वो तुम किसे करें, इसको सेग्रीगेट करो, इस वाले को, कैपिटल आर है स्मॉल आर है. अब क्वेश्चन क्या होता है कि ये कैपिटल आर को तुम इसके साथ डालोगे कि तुम इसके साथ डालोगे, लॉट ऑफ कंफ्यूजन. दोनों के साथ डाल सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि कैपिटल लेटर के साथ ही जाएगा, ऐसा कोई रूल कहीं पर भी नहीं है. तो कैपिटल लेटर इसके साथ भी जा सकता था और कैपिटल लेटर इसके साथ भी आ सकता था. ठीक है, नाउ स्मॉल टी दिस स्मॉल आर विल बी लेफ्ट ओवर हियर. एक और फिर कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकता था, मतलब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी हम लोग सेग्रीगेट करे थे स्टार्टिंग में, इसके साथ में कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर भी जा सकता था, जरूरी नहीं है कि यहाँ कैपिटल लेटर ही आता. ठीक है, तो इसके साथ स्मॉल आर भी आ सकता था और इसके साथ भी स्मॉल आर आ सकता था. तो देखो चारों कॉम्बिनेशन अलग अलग है. यहां से देखो वापस से, कैपिटल टी कैन गो विथ कैपिटल आर ऑल्सो, इट कैन गो विद स्मॉल आर ऑल्सो. कैपिटल टी कैन गो विद कैपिटल आर ऑल्सो, इट कैन गो विद स्मॉल आर ऑल्सो. स्मॉल टी कैन गो विद कैपिटल आर ऑल्सो एंड स्मॉल टी कैन गो विद स्मॉल आर ऑल्सो, दिस एंड दिस. तो यहाँ पे देखो चार अलग अलग तरह का गैमीट मिला है तुम्हें. ठीक है, जब हम लोग प्यूनिट स्क्वायर बनाते हैं तो जो मेल गैमीट होते हैं वो ऊपर लिखते हैं उतने कॉलम्स बना के, जो फीमेल गैमीट होते हैं वो साइड में लिखते हैं. तो जितने तुम्हें गैमीट मिल रहे हैं मेल और फीमेल, वो उतना रोज और उतना कॉलम बनता है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बना रही हूं. अब देखो लाइंस वाला मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जब कॉपी पेस्ट चीज को करना तो तीन लाइन का एक ब्लॉक लेके चलना. चार तरह के गैमीट है तो हम 4x4 का प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे लाइक दिस. ठीक, ऊपर इसमें हम लोग मेल गैमीट लिखेंगे और नीचे हम लोग इसमें फीमेल गैमीट लिखेंगे और ये हमारी F2 जनरेशन है. ठीक है, यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर सबसे पहला गैमीट जो तुम्हारा था वो था कैपिटल टी कैपिटल आर, देन कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर. जब हम लोग F1 में सेल्फिंग कराते हैं इसकी तो दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो हम लोग यही लेते हैं, इसी की सेल्फिंग कराते हैं. तो अगर मेल गैमीट्स ऐसे हैं तो तुम्हें फीमेल गैमीट्स भी सेम मिलेंगे. तो यही को तुम ऊपर लिखोगे और इसी को तुम साइड में लिखोगे. ठीक है, तो उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे उधर लिखा है वैसे उठा के इधर कॉपी कर दो. एक गैमीट, दूसरा गैमीट, तीसरा गैमीट और चौथा गैमीट. ठीक, क्या है यहाँ पर, क्या आएगा, सबसे पहले हम इसमें तीन लाइन है आपके पास, सबसे ऊपर वाली लाइन में हम यहाँ पर जीनोटाइप लिखेंगे. ठीक है, इसके ऊपर देखो ये और ये क्या लिखा है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर. यहाँ पर आइए, जो इस ब्लॉक के ऊपर लिखा है और जो इसके साइड में लिखा है वो लिखना है तुम्हें. ऊपर क्या है, कैपिटल टी, टी का इधर कौन सा है, कैपिटल टी. ऊपर क्या है, कैपिटल आर, इधर क्या है, स्मॉल आर. ऊपर क्या है, कैपिटल टी, दिस साइड स्मॉल टी, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, दैट साइड कैपिटल स्मॉल देन कैपिटल 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 स्मॉल कैपिटल कैप स्मॉल, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, फिर कैपिटल आर ऊपर है साइड में स्मॉल आर है तुम्हारा. देखो ये सही लिखा है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, हाँ सही है. ये वाले में आ जाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, फिर कैपिटल है उधर, इधर स्मॉल है,
यहाँ पे तुम्हारा ये है, यहाँ पे आपका दोनों स्मॉल टी स्मॉल टी है, इधर कैपिटल आर है, इधर स्मॉल आर है, और यहाँ पे सारे स्मॉल स्मॉल हैं। ठीक है, ये तुम्हारा, तुमने जो है सारा जीनोटाइप लिख दिया। अब इसके नीचे तुम एक एक करके फिनोटाइप लिखो। अब हम सबसे पहले टॉल और ड्वार्फ देखेंगे कि कौन सा टॉल है कौन सा ड्वार्फ है। वो तुम्हारी जो सेकंड लाइन है ना ब्लॉक की, उसमें लिख दो। ये क्या है? टॉल है। कैपिटल टी एक भी कैपिटल टी है तो आंखें बंद करके टॉल लिख दो। अगर कैपिटल टी नहीं नजर आ रहा है तो तुम्हारा ड्वार्फ होगा। टॉल 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 टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल, दिस विल बी टॉल। इसको देखो टॉल, फिर ये भी टॉल, दिस इज नॉट टॉल, दिस इज टॉल, दिस इज ऑल्सो टॉल। ठीक है, वो जो एक बच रहा है उसको क्या लिख दें? ये क्या हो जाएगा? ये चारों क्या है? ये डॉर्फ है तुम्हारा, ये डॉर्फ है, ये डॉर्फ है तुम्हारा, ये भी डॉर्फ है। ठीक है, टॉल टॉल। अभी वो वाली चीज को इग्नोर करो, अभी बताते हैं क्या है। अब आ जाओ दूसरी चीज पे, ये देखो। अब हम लोग राउंड और रिंकल लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है? राउंड। ये क्या है? राउंड। ये राउंड, दिस इज ऑल्सो राउंड, ये राउंड है, ये वाला राउंड है, ये वाला देखो स्मॉल आर, स्मॉल आर है तो ये राउंड नहीं होगा। ये वाला कैपिटल लेटर दिख रहा है, जहां जहां कैपिटल लिख रहा है ना जल्दी जल्दी राउंड लिख लो। ये भी राउंड है आपका, ये राउंड है, फाइन। अब देखो बचा हुआ तुम्हारा रिंकल्ड है। अब रिंकल्ड फिल करते हैं हम लोग। तुम्हारा ये रिंकल्ड है तो टॉल के साथ तुम्हें रिंकल्ड भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्मॉल आर है तो ये रिंकल्ड हो जाएगा तुम्हारा। और एक रिंकल्ड तुम्हें और कहीं दिखेगा, ये देखो स्मॉल आर है, एक ये रिंकल्ड हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो तुम्हें टॉल के साथ रिंकल्ड भी दिख गया, तुम्हें टॉल के साथ राउंड भी दिख गया। अब देखो ड्वार्फ के साथ, देखो ड्वार्फ के साथ आपको राउंड कहाँ कहाँ दिख रहा है ये देखिए। डॉर्फ के साथ राउंड जो है वो ये दिख रहा है, ये राउंड है कैपिटल आर नजर आ रहा है, और ये राउंड है कैपिटल आर नजर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब डॉर्फ के साथ तुम्हारा राउंड भी हो सकता है, और फिर देखो डॉर्फ के साथ तुम्हारा रिंकल्ड भी हो सकता है। यहाँ डॉर्फ लिखना भूल गए थे हम, रिंकल्ड। तो डॉर्फ के साथ आपका रिंकल्ड भी हो सकता है। चार तरह का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इसीलिए हमने कलर अलग अलग रखा है। देखो टॉल राउंड, ठीक, तुम्हें देखो जहां जहां पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है वो सारे टॉल राउंड है। गिनो कितने हैं, एक इजी ट्रिक बताते हैं इसकी, हम हाइलाइटर से वो कर देते हैं। ये नहीं होगा क्या? चलो किसी और उससे करें, इससे ग्रे से करते हैं। ये जो तुम्हारा ट्राइंगल बनता है इसमें, ये तुम्हारा ट्राइंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है हल्का हल्का। ये जो तुम्हारा ट्राइंगल है ना, ये इसमें तुम्हें सारे टॉल राउंड मिलते हैं। ठीक है, सबसे इजी ट्रिक है ये। इसी तरह से एक छोटा ट्राइंगल तुम्हें यहाँ पे मिलता है, ये तीनों एक जैसे होते हैं। ठीक, बचे हुए देख लो। अब गिनो कितने टॉल राउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम्हारे पास 9 टॉल राउंड है। ठीक है, हाउ मेनी टॉल रिंकल्ड? 1 2 एंड 3, देर आर 3 टॉल रिंकल्ड। हाउ मेनी ड्वार्फ एंड राउंड? 1 2 3, 3। एंड हाउ मेनी ड्वार्फ रिंकल्ड? ओनली 1। और ये हम क्या देख रहे हैं? क्या हम जीनोटाइप देख रहे हैं? होमो हेट्रोवर्ट का यूज किया हमने कहीं पर भी ना? ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 जनरेशन होता है, इसमें हम लोग सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो पढ़ते हैं। जीनोटिपिक रेशियो आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा ही नहीं जाएगा। हाँ, एक दो कुछ पूछ लिया तो उसमें जो है थोड़ा सा देख लेना, जैसे कि अगर हम पूछने की ड्वार्फ रिंकल्ड का बताओ, होमोजाइगस ड्वार्फ रिंकल्ड कितने, एक है बता दो, मतलब सिंपल वाला आएगा, वरना जीनोटिपिक रेशियो तुमसे नहीं पूछा जाएगा इसका। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना साइड में मैंने, ये फिनोटिपिक रेशियो लिखा है। तो ये रेशियो क्या है? 9331, ये फिनोटिपिक रेशियो है इसका। ओके,
और ये डायहाइब्रिड क्रॉस का है। अब यहाँ से तुम्हारा जो थर्ड लॉ मेंडल का था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो चीज़ प्रूव होती है। कैसे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो हमने इसमें स्टार्ट किया था, वो हमने क्या लिया था जरा याद करो, पिछले वाले स्लाइड में क्या लिखा था? पेरेंट्स जो हमने लिए थे वो ये और ये लिए थे, होमोजाइगस राउंड टॉल राउंड और होमोजाइगस डॉर्फ रिंकल लिया था। और एफ टू में तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें सिर्फ टॉल राउंड ये और ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे। पेरेंटल कॉम्बिनेशन को छोड़ के भी देखो, तुम्हें दो कॉम्बिनेशन अलग से मिल रहे हैं। कौन कौन से? तीन तो तुम्हें टॉल रिंकल भी मिल रहे हैं। मतलब टॉल जरूरी नहीं कि राउंड के साथ जाए हमेशा, जरूरी नहीं है कि जितने लंबे पौधे होंगे सबके सीड राउंड होंगे, ये जरूरी नहीं है। टॉल पौधा रिंकल सीड भी बना सकता है, वो मिला है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से डॉर्फ और राउंड भी तुम्हें तीन मिले। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि जरूरी नहीं है कि जो दो कैरेक्टर्स हमने स्टार्टिंग में लिए थे उनका जोड़ी है वो हमेशा साथ में चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अलग अलग जा सकते हैं। ठीक है, यही तुम्हारा डायहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव करता है। ओके, कि अलग अलग कैरेक्टर्स अपने आप से इनहेरिट होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो साथ में इनहेरिट हो, और वो चीज़ वहां से प्रूव होती है। ठीक है, अब आओ देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ प्लांट्स हैविंग येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल सीड्स, 16 कॉम्बिनेशंस वर फाउंड। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स वर फाउंड इन द फॉलोइंग रेशियोज? डायहाइब्रिड क्रॉस है, येलो राउंड, अभी इससे पहले जो हमने करा है ना, राउंड येलो, और दूसरा कॉम्बिनेशन ये बोल रहा है रिंकल्ड ग्रीन। इसके साथ आपको किन किन कॉम्बिनेशंस में ये मिल रहा है? 9/16 तो तुम्हारा डोमिनेंट डोमिनेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ये याद रखना। देखो इससे पहले वाले में इजी बता देते हैं, जो डोमिनेंट डोमिनेंट है वो सबसे ज्यादा होते हैं 9, जो रेसेसिव रेसेसिव है वो सबसे कम है। ठीक है, और जो डोमिनेंट एक रेसेसिव का कॉम्बिनेशन है वो 3 के रेशियो में होता है। आंसर कर लो अब इसके बाद वाला। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा लॉन्ग में आ जाए तो पूरा क्रॉस बना के फिर समझाना, अगर 3 नंबर में है, अगर 1 नंबर में है तो ऐसे ही लिख देना आंसर। 9/16 क्या होगा? जो पेरेंटल ये वाला कॉम्बिनेशन है, करके देख लेना इसको। ठीक है, 1/16 जो वो वाला कॉम्बिनेशन है, और 3/16 क्या होगा कि राउंड के साथ में रिंकल, राउंड के साथ में ग्रीन चला जाए। ठीक है, ये 3 मिलेंगे तुम्हें, और रिंकल्ड के साथ में येलो आ जाए, ये तुम्हें 3 मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट ये देखो, अगर हम ऐसे ऐसे एलील को क्रॉस करें, मतलब सारे पेरेंट्स डोमिनेंट है, तो भाई जो इनके अंदर तो कोई और जीन ही नहीं है ना, तो बच्चों में भी सेम सेम जाएगा। तो ये जब क्रॉस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? राउंड येलो। नेक्स्ट स्मॉल, अब ये फिर से सेम चीज है। ठीक है, दोनों पेरेंट्स एक जैसे दिख रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जो बच्चे होंगे वो भी सेम ही दिखेंगे, रिंकल्ड ग्रीन ही होंगे सारे। ठीक है, फिर दिस एंड दिस, मतलब ये तो वही है जो अभी क्रॉस इससे पहले वाले में हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तुम्हारा जो मिलता है वो तुम्हें राउंड और येलो मिलता है, ये F1 की बात हो रही है, तो F1 में तुम्हें राउंड येलो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था? ये देखो, ये तुम्हारा जब F1 को सेल्फिंग कराई थी हम लोगों ने, ये वो वाली चीज है। ठीक है, ये सेल्फिंग इन्हीं दोनों की तो कराई थी हम लोगों ने हेटरोजाइगस कंडीशन में, और उसमें कौन से 4 कॉम्बिनेशन मिल रहे थे? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये वही डायहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया है, तो परेशान नहीं होना इसमें। ठीक है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? 14, 15, 16 और 22, अगर कहीं पर भी वर्ड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली, एजॉटमेंट, ऐसा कोई वर्ड आता है तो वो तीसरा लॉ पूछ रहे हैं। सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ऐसा करके कोई वर्ड आ रहा है तुम्हारा क्वेश्चन में, वो सेकेंड लॉ मेंडल का पूछ रहे हैं, सीधा वही एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट का पूरा वो दिया हुआ है जो इतनी देर से समझाया है, उसी का डिटेल दिया हुआ है कि जब मेंडल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही टुक टू डिफरेंट ट्रेट्स लाइक टॉल एंड डॉर्फ को लिया, ठीक है, और राउंड और रिंकल्ड को लिया, तो जो F2 जनरेशन होती है उसमें कुछ प्लांट्स जो है वो टॉल राउंड मिल जाते हैं हमें, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो डॉर्फ रिंकल्ड होते हैं, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है। देन देयर वुड ऑल्सो बी डॉर्फ प्लांट्स, सॉरी ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, फिर डॉर्फ प्लांट्स हैविंग राउंड सीड, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है, या फिर यही चीज दिखाती है टॉल शॉर्ट ट्रेट्स एंड राउंड रिंकल सीड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, वो 9/3/3/1 का रेशियो जो है उसको एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये 12, 13,
1417-22 में पूछा गया है, विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इज जेनेटिकली डिटर्मिंड इन ह्यूमन बींग्स, विच ऑफ द टू पेरेंट्स मदर और द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। लास्ट के पेजेस में कहीं पे दिया हुआ है, लास्ट के एक दो पेजेस में। इसमें क्या होता है, अगर मेल पेरेंट है, ठीक है, कलर ऑब्वियस है, अगर मेल पेरेंट है तो इनके पास कौन से क्रोमोजोम्स होते हैं, एक्स वाई। दिस व्हेन क्रॉस्ड विद फीमेल विच कंटेन्स एक्स एक्स क्रोमोजोम, ठीक है, ये पेरेंट्स हैं। बच्चों में क्या क्या चांसेस होते हैं कि ये एक्स वाला स्पर्म इसके साथ फ्यूज कर जाए तो तुम्हें एक्स एक्स मिलेगा, एक्स वाला इसके साथ भी फ्यूज कर सकते हैं एक्स एक्स, दिस कैन फ्यूज विद दिस एक्स वाई एंड दिस कैन फ्यूज विद दिस, तो ये एक्स वाई अगेन। तो ये जो बनेंगी ये डॉटर्स होंगी, फीमेल फीटस होगा, और ये जो है ये सन है। तो 50% देखो, दो बन रहे हैं डॉटर, दो का चांस है कि सन भी हो सकता है, तो 50% चांसेस दे कि सन हो और 50% चांस है कि डॉटर हो। ये बिल्कुल भी स्पेसिफिक, देखो अल्टीमेटली स्पर्म डिसाइड कर रहा है कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, बट नोबडी कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, नॉट द मेल पार्टनर नॉट द फीमेल पार्टनर फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, दिस विल बी द अल्टीमेट लाइन। ओके, नेम द टर्म, ये तो आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिए हैं या बाद में करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल। अच्छा, अब एक तुम्हारा ब्लड ग्रुप बच रहा है, वैसे तो ब्लड ग्रुप वाला एक ही क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में, बट मैं उसका एक यू नो जस्ट में बता दूं शॉर्ट में। देखो ब्लड ग्रुप्स कितने तरह के होते हैं, जल्दी से देखो, ह्यूमन ब्लड ग्रुप आर ओ फोर टाइप्स, ब्लड ग्रुप ए बी ए बी एंड ओ। ये ब्लड ग्रुप फिनोटाइप है कि कैसे कैसे फिजिकल अपियरेंस या जो उसका, ठीक है, ये फिनोटाइप है। इसका अगर जीनोटाइप देखो तो इसमें हम लोग लिखने का जो तरीका होता है वो कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, कैपिटल आई का, जीनोटाइप के लिए, मतलब इसकी जो जीन होती है वो आई होती है, मोटा सा चैप्टर, कैपिटल आई होती है, ठीक है, कैपिटल आई होता है जो इसका जीन होता है। कैपिटल आई के ऊपर अगर छोटा सा स्मॉल ए लगा हुआ है, ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप ए है, ए का जीन है, ठीक है। अगर छोटा सा ऊपर बी लगाया हुआ है मैंने सुपर स्क्रिप्ट में, तो ये ब्लड ग्रुप बी वाला जीन है। और अगर हमने आई ओ लिखा है तो ये ब्लड ग्रुप ओ का जीन है। इसमें से जो डोमिनेटिंग है वो ए और बी दोनों ही डोमिनेटिंग है, ठीक, मतलब तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए जो डोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग एलीली है, वो तुम्हारा आई ए और आई बी है, ठीक है। जो आपका रेसेसिव एलीली है वो तुम्हारा होता है स्मॉल आई, या फिर इसको हम आई ओ भी लिखते हैं, मतलब तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए और बी जो है वो डोमिनेटिंग होता है और जो तुम्हारा ओ होता है ना वो रेसेसिव होता है, ठीक है, इतना तो समझो। अगर किसी मतलब किसी इंसान के पास में या तो दोनों एलील्स एक जैसे जा सकती हैं या तो अलग अलग जा सकती हैं, मतलब होमोजाइगस हो सकता है, हेटरोजाइगस हो सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो मतलब उसके पास आई ए आई ए, होमोलॉगस क्रोमोजोम पे मदर से फादर से दोनों ए ए मिल सकता है, ठीक है, तो ये होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप है। लेकिन इसके पास अगर आई ए और स्मॉल आई है, मतलब इसको एक पेरेंट से ए मिला है और एक पेरेंट से ओ मिला है, उस कंडीशन में ये तब भी ए रहेगा क्योंकि ए डोमिनेटिंग है, आई इज नॉट डोमिनेटिंग। यहाँ पर अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो होमोजाइगस भी हो सकता है या वो हेटरोजाइगस भी हो सकता है। वन ही इज गेटिंग बी, वन ही इज गेटिंग ओ एलील, एलील फॉर ओ ब्लड ग्रुप, ठीक, ए बी, ये थोड़ा सा वो है। मान लो किसी के पास गलती से एक ए और एक बी आ गई, तो ए भी डोमिनेटिंग बी भी डोमिनेटिंग, फिर दोनों कहेंगे, ए कहेगा मेरे जैसा ब्लड ग्रुप, बी कहेगा मेरे जैसा ब्लड ग्रुप, फिर ये डिसाइड होता है चलो दोनों की बात रख लेते हैं आधी आधी, ठीक, तो फिर ब्लड ग्रुप क्या बोलते हैं हम लोग, ए बी बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहेंगे ये ब्लड ग्रुप सी है ना, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी, ठीक है। अब ये लास्ट में क्या होगा, कैपिटल ओ
आईओ और स्मॉल आई दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बेटर है कि ऐसे लिखिए क्योंकि रेसेसिव है तो स्मॉल लेटर यूज होना चाहिए। तो ये अगर है तो वो डिपेंड करता है, वो डिटरमिन करेगा ब्लड ग्रुप ओ। तो ये जीनोटाइप है और ये फिनोटाइप है, ठीक है। वेरी क्विकली आई विल एक्सप्लेन वन, यू नो उधर बना देते हैं, एक तुम्हें इसका क्रॉस बना के दिखा दे कि किस तरह से। इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा मतलब घुमा के नहीं आएंगे, बट आप पूछे गए हैं बोर्ड्स में तो इम्पोर्टेंट है इसलिए जल्दी से बता दे रहे हैं। मान लो जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप, फादर का ब्लड ग्रुप इज ए, या फादर का ब्लड ग्रुप ओ मान लेते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ। मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। ये दो ब्लड ग्रुप हैं। तो ये हमने अभी तुम्हारा फेनोटाइप लिखा है, ये पेरेंट्स हैं तुम्हारे, इनका जीनोटाइप क्या होगा? अगर ये है तो आई ओ, और आई ओ देखो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, यही है। और अगर ए बी है किसी का ब्लड ग्रुप तो पॉसिबिलिटी, ये जीनोटाइप क्या होता है, ये आई ए और आई बी, ये जीन होगा, ठीक है। अब अगर इसको तुम करो जरा सा क्रॉस करो, ये इसके साथ भी आ सकता है तो ये क्या हो जाएगा, आई ए एंड आई ओ। ये इसके साथ भी आ सकता है तो आई बी एंड आई ओ, दिस कैन गो विद दिस, आई ए एंड आई ओ, एंड वन मोर इज लेफ्ट, आई विल ड्रॉ विद सम अदर कलर, ब्रिंग इट डाउन, दिस कैन गो विद दिस, आई एम मेकिंग इट हेयर, आई बी एंड आई ओ। देखो क्या क्या चांसेस हैं। दो तो तुम्हें ऐसे मिल रहे हैं हेटेरोजाइगस ए, इस बंदे का ब्लड ग्रुप ए होगा क्योंकि ए डोमिनेटिंग होता है, इस बंदे का भी ब्लड ग्रुप ए होगा क्योंकि ए डोमिनेटिंग होता है, इसका बी होगा और इसका बी होगा। तो मतलब 50% चांस, अगर फादर का और मदर का ऐसा है तो 50% चांसेस हैं कि जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप, 50% चांस है कि ए हो सकता है, 50% चांस है कि बी हो सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप कतई नहीं हो सकता, ब्लड ग्रुप ओ हो ही नहीं सकता बच्चे का, ब्लड ग्रुप ए भी हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता, ठीक है, हो नहीं सकता ऐसा, ठीक। तो ये ब्लड ग्रुप है, देख लेना एक बार ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन आंसर्स, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है ना अगर तुमने नहीं समझ आ रहा है ऐसा समथिंग लाइक दैट, तो उसको कमेंट में डाल देना पूरा क्वेश्चन, हम उसका आंसर वहीं पे कर देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आई होप दिस चैप्टर ऑल्सो हैव कम्प्लीटेड, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क, इफ यू लाइक दिस दीज वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इसके जो नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।